Hello students, welcome to third session of the topic Indian Economy on the Eve of Independence. In the earlier two sessions, we have covered the subtopics Colonial Exploration of the Indian Economy, Features of Indian Economy on the Eve of Independence, Agriculture Sector on the Eve of Independence, Industrial Sector on the Eve of Independence, and Foreign Trade at the time of British rule. Now we will cover the subtopics Demographic profile during British rule, 1921 year of Great Divide, occupational structure on the eve of independence. Now coming to the subtopic demographic profile. Topic को start करने से पहले हम पहले demography का मतलब understand कर लेते हैं. Demography का मतलब होता है change in the structure of population in terms of birth rate, mortality rate, life expectancy. लिटरेसी जब डेमोग्राफी का मतलब है कि हमारी जो पॉपुलेशन का है पॉपुलेशन जो है उसके अंदर बर्थ रेट डेथ रेट लिटरेसी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में किस तरह से चेंज आया. अगर हम बात करते हैं बर्थ रेट और डेथ रेट की ब्रिटिश रूल के आने से पहले और या फिर हम कहें इंडिपेंडेंस से पहले बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत हाई थे. बर्थ रेट तो जी 48 per thousand और death rate थी 40 per thousand respectively, that is number of per thousand of population. जो भी हम birth rate और death rate calculate करते हैं per thousand of population के हिसाब से ही calculate करते हैं. इसका formula भी यही होता है birth rate का. Birth rate is equal to number of deaths और number of births upon total population. मल्टीप्लाई बाय 1000 इस फॉर्मूले के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं बर्थ रेट. बर्थ रेट हमारी इसलिए हाई थी क्योंकि उस समय लोग अवेयर नहीं थे फैमिली प्लानिंग मेजर्स से लोग इलिटरेट थे और बर्थ रेट हमारी हाई थी. डेथ रेट भी इसलिए हाई थी क्योंकि लोगों के पास प्रॉपर एक्सेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं थी जिसकी वजह से लोग कोई भी एपिडेमिक आई कोई पैंडेमिक डिजीज आई जिसकी वजह से लोग आते ही लोग उसका शिकार हो जाते थे और लोग अपने आप को सरवाइव नहीं रख सकते थे. दैट इज व्हाई डेथ रेट वाज हाई एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. दोनों की दोनों ये डाटा जरूर याद कर लीजिए. बर्थ रेट का डाटा है 48 पर 1000 डेथ रेट का डाटा है 40 पर 1000. इसका मेन रीजन ये था मैसिव पॉवर्टी. पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी इलिटरेसी बहुत ज्यादा थी लोग हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी इजिली एक्सेस नहीं कर पाते थे जिसकी वजह से बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों की दोनों बहुत ज्यादा हाई थी. नेक्स्ट इज इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट. इन्फेंट किसे कहते हैं? इन्फेंट हम उस शिशु को उस किड को कहते हैं हु इज बिलो द वन ईयर ऑफ एज. एक साल से छोटे बच्चे को हम इन्फेंट के अंदर काउंट करते हैं. मोर्टैलिटी का मतलब होता है डेथ. इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट बहुत ही ज्यादा हाई थी क्योंकि प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज डेवलप नहीं थी बच्चों को वैक्सीनेशंस प्रॉपर अवेलेबल नहीं थे जिसकी वजह से बच्चे जब भी बच्चा पैदा होता है ज्यादातर उसमें जॉन्डिस टाइप की डिजीज कॉमन होती है पर उस समय उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता था जिसकी वजह से हमारा इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट बहुत ज्यादा हाई था और लगभग यह था 218 पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन. जो इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट का डाटा था इंडिपेंडेंस के टाइम पे दैट वाज 218 पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन. इसका मेन रीजन ये था कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज बहुत ही पुअर थी. अगर हमें इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट कैलकुलेट करना हो तो उसका फॉर्मूला भी यही होगा इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ्स among infants upon total population multiply by 1000. Next is life expectancy. Life expectancy का मतलब होता है average life span of a human being. ये हम उस टाइम पे ही कैलकुलेट करते हैं जिस टाइम पे इकोनॉमी में कोई भी एपिडेमिक ना फैली हो कोई भी वॉर टाइम सिचुएशन ना हो तो हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकाली जाती है कि एक ह्यूमन बीइंग की एवरेज लाइफ टाइम
एवरेज लाइफ स्पैन उस पीरियड में क्या है। इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो बहुत ही कम थी, दैट वाज वेरी लो, दैट इज 32 इयर्स। 32 साल की, 32 इयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ही कम थी। एक इंसान एवरेज लाइफ ज्यादा वो हम समझते थे कि 32 इयर्स उसकी लाइफ कंप्लीट हो गई, बस वो अपनी जिंदगी जी लिया, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। बट आज के प्रेजेंट डेट में अगर पूछा जाए 1 मार्क के क्वेश्चन में, व्हाट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द प्रेजेंट टाइम, एट प्रेजेंट टाइम लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज 68 इयर्स। आज की डेट में लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, 68 इयर्स, जो प्रेजेंट की है। देखा जाए तो हमने इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक की डेट में इसको बहुत इम्प्रूव कर लिया है, क्योंकि हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी डेवलप हो चुकी है, जिसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ चुकी है। नेक्स्ट इज लिटरेसी रेट। लिटरेट किसे कहेंगे? अ पर्सन हु इज एबल टू रीड एंड राइट, ही इज कॉल्ड लिटरेट। बट इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये जो लिटरेसी रेट था बहुत ही कम था, इट वॉज ओनली 60%, सिर्फ 16% ही था हमारा लिटरेसी रेट, और फीमेल्स के अंदर ये लिटरेसी रेट और भी कम था, ये था सिर्फ 7%। क्या रीजन था कि लिटरेसी रेट बहुत कम था और फीमेल्स के अंदर ये और भी कम था? इसका मेन रीजन था हमारा सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। एक तो लोग के अंदर ये स्टेरियोटाइप माइंड में सेट था कि गर्ल्स आर ओनली मेंट टू डू हाउस होल्ड वर्क, और बॉयज ही सिर्फ जाके पढ़ाई कर सकते हैं, और घर जो लेडीज है, जो वुमेन्स है, वो सिर्फ घर का ही काम करेंगी। इसलिए वुमेन्स को इतनी परमिशन नहीं दी जाती थी कि वो स्टडीज करें, हायर स्टडीज की तरफ जाए। और जो मेल थे उनकी भी यही टेंडेंसी थी कि फार्मिंग जो हमारा फैमिली बिजनेस है, हमें उसमें ही एंगेज रहना है, तो क्या करना है ज्यादा पढ़ के। तो सिर्फ 16% लोग तो थे सिर्फ इलिटरेट थे। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है हमारी सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को? जब लोग लिटरेट ही नहीं होंगे तो प्रोडक्शन में अपना कैसे कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे? दैट इज ऑल अबाउट डेमोग्राफिक प्रोफाइल। नेक्स्ट इसमें आता है कि इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज 1921 ईयर। ऐसा क्या था कि 1921 ईयर, जिसको हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इज नोन एज 1921। ये 1 मार्क पे एक सिंपल क्वेश्चन आता है, विच ईयर इज नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, दैट इज 1921। और इसी ऊपर 2 मार्क का क्वेश्चन बनता है कि क्या रीजन है कि 1921 के ईयर को हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड काउंट करते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि जो 1921 से पहले की बात करें तो हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वॉज नॉट कंसिस्टेंट। पॉपुलेशन कभी बर्थ रेट ज्यादा हो रही है, कभी डेथ रेट ज्यादा हो रही है, और हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ कोई बहुत ज्यादा नहीं था। अगर बर्थ रेट ज्यादा है तो उसके साथ साथ डेथ रेट भी ज्यादा थी, हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट, तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ था वो ज्यादा नहीं था, इनकंसिस्टेंट था, कभी बर्थ रेट ज्यादा कभी डेथ रेट ज्यादा। बट 1921 के बाद हमारा जो है डेथ रेट जो है डिक्लाइन कर गया और बर्थ रेट हाई होती चली गई। और 1951 का जो पीरियड ऐसा आया जब लोगों के पास प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज पहुंचने लगी और लोगों के अंदर लिटरेसी आई, लोग फैमिली प्लानिंग की तरफ फोकस करने लगे, तब हमारे पास जो पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर एक एक्सप्लोसिव टर्न आया। हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी क्या हो गई, एक्सप्लोसिव हो गई। और उसके बाद जो हमारी इंडिया जो कंट्री है वो पॉपुलस कंट्रीज में आ गई, जो चाइना के बाद पॉपुलेशन के अंदर इंडिया जो है सेकेंड नंबर पे अब काउंट होती है। यही रीजन है कि जो 1921 का ईयर है वो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड है। 1921 से पहले बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई थी और उसके अंदर कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं थी। 1921 के बाद पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हुई, हेल्थ केयर फैसिलिटीज बढ़ी, लोगों के अंदर अवेयरनेस आई, और उसके बाद जो बर्थ रेट था वो कंसिस्टेंटली राइज करने लग गई। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे पहले तो हम इस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। वर्किंग पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन
वो एज ग्रुप की पॉपुलेशन जो 15 से लेकर 59 इयर्स के बीच में आती है, उस पॉपुलेशन को हम वर्किंग पॉपुलेशन के अंदर काउंट करते हैं। इस एज ग्रुप के पॉपुलेशन के लोग जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में एंगेज थे, उसे हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में काउंट करेंगे। प्राइमरी सेक्टर मींस एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर मींस इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द टर्शरी सेक्टर मींस सर्विस सेक्टर। अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो इंडिपेंडेंस से पहले जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो दैट वाज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। ज्यादातर लोग इस एग्रीकल्चर सेक्टर में ही एंगेज थे। अप्रोक्सीमेटली 72.7% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन वॉज एंगेज इन एग्रीकल्चर, और जबकि कॉन्ट्रीब्यूशन में जीडीपी में इनका सिर्फ 50% था। ये क्या शो करता है हमारी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को। अगर हम एडवांस कंट्रीज की तरफ देखें तो वहां पर वर्किंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत कम एंगेज है और इंडस्ट्री सेक्टर में ज्यादा एंगेज है, जिसकी वजह से उनके प्रॉफिट्स राइज करते हैं, जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है और वो इकोनॉमी जो है डेवलप होती रहती है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन था। हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप नहीं था, हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ कुछ भी फोकस नहीं किया था। हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ फोकस करना स्टार्ट किया था अपने सेकंड प्लान में। उससे पहले सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में ही लोग एंगेज थे। 9% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन वॉज एंगेज ओनली इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, विच शोज बैकवर्डनेस ऑफ अवर इंडियन इकोनॉमी। एडवांस कंट्री में इसी इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादा पॉपुलेशन एंगेज होती है। नेक्स्ट इज अनबैलेंस ग्रोथ। अनबैलेंस ग्रोथ से पहले बैलेंस ग्रोथ का मतलब समझते हैं। बैलेंस ग्रोथ तब होती है जब किसी भी इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स, दैट मींस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इक्वली डेवलप होते हैं। बट हमारी इकोनॉमी ग्रोथ थी अनबैलेंस, क्योंकि हमारे तीनों सेक्टर्स प्रॉपरली डेवलप नहीं थे। एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि था मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, वो भी प्रॉपरली डेवलप नहीं था। जितने भी जमींदार थे वो एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करते थे, सिर्फ अपनी लग्जरीज पे ही स्पेंड करते थे। सेकेंडरी सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर और टर्शरी सेक्टर की तरफ तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया था। वो बहुत ही अपने इन्फेंट स्टेज पे थे। इन्फेंट मतलब जो हम बच्चों वाले स्टेज पे होते हैं, डेवलप हुए ही नहीं, स्टार्टिंग के स्टेज पे, बेसिक स्टार्टिंग स्टेज पर ही होकर रह गए। उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, वर्किंग पॉपुलेशन भी इसके अंदर एंगेज नहीं थी। तो दैट्स व्हाई जो हमारी ग्रोथ थी बहुत ही अनबैलेंस थी। इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में बैकवर्डनेस और स्टैग्नेशन बढ़ती चली गई। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। नाउ कमिंग टुवर्ड्स सब टॉपिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे पहले हम इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है वो बेसिक सर्विसेज या वो बेसिक एक्टिविटीज जो बहुत जरूरी होती है किसी भी इकोनॉमी को एफिशिएंटली रन करने के लिए। फॉर एग्जांपल रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज, पावर सप्लाईज एक्सेट्रा। जब ब्रिटिशर्स आए तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे। सबसे पहले रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटेन ने, बट जो रेलवेज को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्रॉम ब्रिटेन टू इंटीरियर ऑफ द कॉलोनियल इंडिया। जो भी गुड्स उनकी ब्रिटिश इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रहे थे उसको पूरी इंडिया में वाइड स्प्रेड पहुंचाने के लिए, इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से पहुंचाने के लिए रेलवेज का यूज किया जा सके, ताकि लो कॉस्ट पर सभी मार्केट्स में, इंडिया की सभी मार्केट्स में वो गुड्स इजिली पहुंचे जा सके और लोग उनको यूज करें, उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड पड़े। नेक्स्ट इज पोर्ट्स वर डेवलप्ड टू हैंडल एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन। पोर्ट्स मतलब सी पोर्ट्स। सी पोर्ट्स जितना भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं वो ज्यादातर हम सी रूट के थ्रू ही करते हैं, तो इनका पोर्ट्स को डेवलप किया गया ताकि जो भी हमारे इकोनॉमी में रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो इनपुट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो ब्रिटिशर्स अपनी इंडस्ट्रीज में इनको यूज कर सके और इनपुट्स को यूज करके फाइनल गुड्स प्रोड्यूस कर सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे रॉ कॉटन महाराष्ट्र में प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस रॉ कॉटन को वो पहुंचाएंगे अपने पोर्ट्स के थ्रू ब्रिटेन इंडस्ट्रीज में।
एंड इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन. इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, जो गुड्स वहां पर मैन्युफैक्चर हो चुकी हैं, उनको ड्यूटी फ्री रेट्स पर हमारी इकोनॉमी तक इम्पोर्ट्स के थ्रू पहुंचाना. नेक्स्ट इज पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स. पोस्टल सर्विसेज, टेलीग्राफ सर्विसेज वो डेवलप की इस ब्रिटिशर्स ने सिर्फ अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए. एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है थिंग्स और टास्क, वो सब एक्टिविटीज करना जिससे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को हम इजीली प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं. एक्टिविटीज और सर्विसेज फ्रॉम विच वी कैन इजीली मैनेज आवर एनी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन. इन एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए पोस्टल एंड टेलीग्राफ सर्विसेज को डेवलप किया गया. नेक्स्ट इज रोड्स वर डेवलप टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू द पोर्ट्स. रोड्स की भी डेवलपमेंट इसलिए की गई ताकि जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के हमारे पार्ट्स में जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है, उस रॉ मटेरियल को इंडियन पोर्ट्स तक पहुंचाया जा सके और उन पोर्ट्स के थ्रू हम उसको ब्रिटिश इकोनॉमी की इंडस्ट्री तक पहुंचा सके. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको दिया रॉ कॉटन को महाराष्ट्र से पोर्ट तक सिर्फ इस रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही पहुंचाया जा सकता था. जूट को वेस्ट बंगाल से पोर्ट्स की तरफ इन रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही पहुंचाया जा सकता था. यहाँ तक जो हमने स्टडी करा वो सिर्फ हमने ब्रिटिशर्स के आने के नेगेटिव एस्पेक्ट को ही स्टडी करा कि जब ब्रिटिशर्स आए तो उसका हमारे इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, उन्होंने किस तरह से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को, इंटरनेशनल ट्रेड को किस तरह से उन्होंने खत्म किया. बट क्वेश्चन कभी कभार सीबीएसई एग्जाम में आ जाता है कि वॉज देयर एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें आंसर देते हैं नो, बट द आंसर इज यस. वो यस किस तरह से है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के अंदर कमर्शलाइजेशन इंट्रोड्यूस करी थी ब्रिटिशर्स ने. इससे पहले, उनके आने से पहले, हमारे फार्मर्स की जो आउटलुक थी वो सक्सेस फार्मिंग की तरफ थी. बट जब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने फार्मर्स को फोर्स किया कमर्शलाइजेशन की तरफ ताकि हमारे प्रॉफिट्स बढ़ सके. उनके पास, फार्मर्स के पास मार्केट में सेल के लिए सरप्लस हो, क्योंकि अगर सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है उस फार्मिंग में सिर्फ फार्मर्स अपनी फैमिली के लिए ही ग्रो करता है. बट कमर्शलाइजेशन की वजह से फार्मर्स जो है मार्केट में सरप्लस के लिए ग्रो करने लगा और उसके पास प्रॉफिट्स बचने लगे. नेक्स्ट इज न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा जनरेट हुई हमारे डेवलपमेंट ऑफ रेलवे एंड रोड्स के थ्रू, जिसको डेवलप किया था ब्रिटिशर्स ने. रेलवे इंट्रोड्यूस की थी ब्रिटिशर्स ने, हमारा रोड नेटवर्क भी डेवलप किया था ब्रिटिशर्स ने. कंट्रोल ऑफ फेमाइंस. फेमाइन का मतलब होता है अकाल या भुखमरी. वो एरिया फेमाइन अफेक्टेड एरिया कहलाता है जहां पर खाने के लिए कुछ भी ना हो, वहां पर फूड रेंज की अवेलेबिलिटी ना हो. बट अगर रेलवे नेटवर्क्स और रोड नेटवर्क्स जो डेवलप किए ब्रिटिशर्स ने, इनके थ्रू क्या होने लगा कि फूड ग्रेन को ऑल ओवर द कंट्री, पूरी कंट्री से फेमाइन अफेक्टेड एरिया की तरफ इजिली पहुंचाया जाने लग गया, जिससे उस एरिया में फेमाइन नहीं रहा, खाना पहुंच गया तो फेमाइन पे कंट्रोल हो गया. नेक्स्ट इज मॉनिटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. ब्रिटिशर्स से आने से पहले जो हमारा सिस्टम था वो प्रिवेलेंट था बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम के अंदर हमें कमोडिटी के बदले कमोडिटी एक्सचेंज करके ट्रेडिंग करते थे. बट इनके आने के बाद हम मूव कर गए बार्टर सिस्टम से मॉनिटरी सिस्टम की तरफ. नेक्स्ट इज एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. हमें एडमिनिस्ट्रेशन करना सिखाया ब्रिटिशर्स ने. जब ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडिया को छोड़ दिया 1947 में, तब हमारे प्लानर्स और पॉलिटिशियंस को एक रेडी रेफरेंस मिल गया, एक रेडी लेआउट मिल गया कि किस तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को हम इजिली मैनेज कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे. टिल देन हैव अ गुड डे. थैंक यू.